नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको गूगल की तरफ से ओपन सोर्स जो गूगल फॉन्ट्स आते हैं इसके बारे में बताऊंगा, जो कि पूरी तरह ओपन सोर्स है और इसका इस्तेमाल करके आपके डॉक्यूमेंट को आप बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, आपको गूगल आना है, ये तो आपको पता ही है। गूगल क्रोम में आपको google.com पे आना है, ये गूगल का ऑफिशियल वेब पेज है। और यहाँ पे लिखना है आपको गूगल फॉन्ट्स, गूगल FONTS फॉन्ट्स। तो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। एक्चुअली मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो है, इसीलिए ये स्लो ओपन हो रहा है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा रहा तो ये फास्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो fonts.google.com ये जो वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने से पहले एक आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या ये फ्री है? तो ये देखिए, आर गूगल फॉन्ट्स फ्री यूज? तो यहाँ पे देखिए, इज देयर अ कॉस्ट फॉर एनी ऑफ दिस फंड्स? और यहाँ पे लिखा है नो, ऑल गूगल फंड्स आर ओपन सोर्स एंड आर विदाउट कॉस्ट। तो ये फ्री है और ओपन सोर्स है, और ये आपके डॉक्यूमेंट को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अबाउट गूगल फंड्स पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अबाउट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का वेबसाइट आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना चाहे। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर फॉन्ट्स चाहिए तो यहाँ पे फॉन्ट्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे फॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स गूगल की तरफ से है जो कि ओपन सोर्स है, और तकरीबन 1474 फॉन्ट्स है। और यहाँ पे इनके फैमिलीज, मतलब 1474 फैमिलीज है और इनके अलग अलग फॉन्ट है। तो यहाँ पे देखिए, रोबोटो की इसके 12 स्टाइल है, पॉपिंस के 18 स्टाइल है, जैसे रूबिक बबल्स के एक ही स्टाइल है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा फॉन्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे ये डिग्निटी किस तरह से दिख रहा है और ये डिग्निटी किस तरह से दिख रहा है, मतलब कैरेक्टर को अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन में प्रेजेंट करता है ये फॉन्ट्स, और बहुत ही एनहांस क्वालिटी आपके डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम इसे डाउनलोड कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको फॉन्ट्स का नाम मालूम है तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये रोबोटो है, यहाँ पे रोबोटो लिखेंगे, जैसे मैं लिख लेता हूँ तो आपको रोबोटो ही यहाँ पे आएगा, रोबोटो के जितने भी फॉन्ट्स है यहाँ पे शो हो। अगर आपको लैंग्वेज के अनुसार डाउनलोड करना है, मतलब हमें गुजराती भाषा में चाहिए, तो ये गुजराती पे क्लिक करिए। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन जो आता है, यहाँ पे कोई अभी नहीं आया है तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं, ये एक्चुअली ये होगा इसलिए नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सर्च फंड में कुछ कमांड मत लिखिएगा, सिंपल गुजराती में लिखिएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको गुजराती के जितने भी फॉन्ट होंगे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये गुजराती में जो है, देखिए ये मोगरा है, गुजराती में जरूर है लेकिन इंग्लिश में देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम इसे डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोगरा पे क्लिक कर, अब यहाँ पे ये मोगरा का जो फॉन्ट्स है ये आ गया है। और इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ये डाउनलोड फैमिली पे बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे जिप फाइल यहाँ पे आ गई है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करिए, शो इन फोल्डर पे जाते हैं। तो ये डाउनलोड फोल्डर में mogra.zip फाइल आ गई है। इससे पहले मैंने kalam.zip फाइल का भी डाउनलोड किया था। अब आपको ये जो फाइल है इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, आप इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं फिलहाल यहाँ पे डबल क्लिक ही कर देता हूँ। और ये जो TTF है इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से आपको कॉपी कर दीजिए, कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड। आप सभी को मिनिमाइज कर दीजिए, उसके बाद में विंडोज R बटन प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए फॉन्ट्स, ध्यान दीजिएगा फॉन्ट्स, और इसे ओके कर दीजिए। अब इसे ओके करने के बाद में आपके सामने गूगल, जो गूगल आपने फॉन्ट्स कॉपी किया है मोगरा करके, अब ये आपके विंडोज के फॉन्ट्स फोल्डर में आपको इसको पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब ये आया नहीं आया इसे हम देखते हैं। देखने के लिए मैं यहाँ पे विंडोज प्रेस करूंगा और नोट पैड लिखूंगा और यहाँ पे देखते हैं, और एक नाम लिख लेते हैं, जैसे ज्ञान सेक्शन ही लिख लेते हैं, सिंपल है। अब इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं आया या नहीं आया। तो कौन सा था हमारा, मोगरा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करते हैं, बोल्ड है, बोल्ड ऑब्लिक है, या इसकी साइज बढ़ा देते हैं। अब ओके करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखा दोस्तों, ये आपकी गूगल फॉन्ट्स है, ओपन सोर्स है, तो आपको यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए यहाँ से आप सर्च करके ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हिंदी चाहिए तो आपको देवनागरी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा,
और जितने भी यहाँ पे फंड्स है देवनागरी में वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे मोगरा हमारा गुजराती वाला फंड था, तो यहाँ पे आपका जो एक कलम है, कलम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है। यहाँ पे अगर आप जैसे दिखते हैं उसी तरह से ये फंड बिहेव करता है। आई होप कि आपको इस वेबसाइट से बहुत सारे फंड्स डाउनलोड करने के मिलेंगे, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है बहुत अच्छी तरीके से खुल के ऊपर आएगा और बहुत खूबसूरत दिखेगा।